अभी जाना है मनगम एक बाइक देखने के लिए। तो सो भाई बाइक वाइक देख ली तो सेम तेल वगैरह हमारी तरह निकाल के आए। पुलिस पुलिस से थे ठीक है, तो उन्होंने ना पहले मेरे अच्छे से चैनल वगैरह सब कुछ चेक की यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, सब मजे में होंगे। सो गाइज, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है एंड आज आई थिंक काफी दिन बाद मतलब निकल रहा हूँ यार, क्योंकि कंटिन्यू इन दिनों निकलने का मूड ही नहीं हो रहा। पता नहीं क्या हुआ, व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे इशूज चल रहे हैं यार, तो मसला खत्म नहीं हो रहा, वो बढ़े जा रहा है ठीक है। सो अभी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। सो अभी तो हम निकल चुके हैं, पांडा कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है एंड अपना धूप मतलब गर्मी अच्छी खासी होती है, तो इसीलिए आप अपने बाइक को सिंगल शर्ट में देख रहे हो ठीक है। सो आजकल ना ठंड नहीं होती तो बंदा निकल सकता है शर्ट वगैरह में। सो चलो अभी इधर से निकलते हैं एंड जाते हैं गोमसी राइड पे, एंड आज हमें कुछ देखने जाना है वो आपको आगे पता चल जाएगा, एंड किसके लिए देखने जाना है वो भी आगे पता चल जाएगा। तो अपने मतलब फैमिली में ना एक और मेम्बर जुड़ने वाला है, सो वो मैं आपको आगे बताता हूँ वो क्या होगा। आई थिंक शायद आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा, तो चलो देखते हैं। फिलहाल निकलते हैं इधर से, मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। सो फाइनली हम घर से निकल चुके हैं, तो आज फिर से हम जा रहे हैं नीचे वाली साइड ठीक है। सो देखते हैं, बाइक में पेट्रोल भी हमें डलाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक में ना पेट्रोल काफ़ी कम है जैसे आप देख ही सकते हो। इन दिनों वैसे खाली रहती है, क्योंकि अपनी जेब भी खाली रहती है कुछ इन दिनों। सो इंशाल्लाह ईद के बाद सब ठीक हो जाएगा, सभी इश्यूज वगैरह ख़त्म हो जाएंगे ठीक है। आजकल ना तुम्हारा भाई बिल्कुल आराम से चलता है, क्योंकि भगाने का कोई भी मन ही नहीं करता यार। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं बिल्कुल ना 40-50 चलता रहता हूँ यार। अब अगर हाईवे पूरा खुला भी होगा तब भी यार ठीक है, पता नहीं यार मूड नहीं बनता आजकल, ना राइड करने का मूड होता है, ना व्लॉग बनाने का मूड होता है यार। पता नहीं क्या हुआ है मेरे साथ यार, आप ही बताओ क्या हुआ हो, क्या हो गया है मुझे आप ही बता दो कमेंट्स में ठीक है। बाकी आज संडे है तो नाके काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, तो देख देख के चलेंगे। सो अभी ना हम पहुंच चुके हैं मार्केट में, इधर चलते हैं आराम आराम से। आज मार्केट भी सुना सुना ही है, क्योंकि आज संडे है, तो वो संडे राइड्स वगैरह सब खत्म हो चुका है यार, कोई राइड वगैरह नहीं होती है। तो अभी ऐसे ही निकले हैं, थोड़ा काम से भी निकला हूँ, कुछ देखने जाना है। तो अभी मैंने उसको कॉल नहीं की, क्या पता कॉल उठाएगा अभी कि नहीं। सो चलो देखते हैं, वैसे भी उसन तक तो जाना ही था पेट्रोल डलवाने, गर्मी भी बहुत ज़्यादा बोर हो गया है यार मैं कसम से। थोड़ी देर डैम्पिंग पे चलते हैं, बैठते हैं उधर थोड़ा, तो उसके बाद देखते हैं क्या होगा। वैसे तो इधर भी आज पुलिस खड़ी है यार। अभी तो हम थे डैम्पिंग पे ही, तो अभी जाना है मनगम एक बाइक देखने के लिए, तो आगे बोलता हूँ किसके लिए वो बाइक, एंड सेम टू सेम अपनी पांडा जैसे होने वाली है। सो चलो इधर से निकलते हैं, देखते हैं क्या कैसी बाइक है। जिसके लिए लेनी है वो बंदा खुद आया ही नहीं है, वो बिजी है ठीक है, उसका देखना मेरा देखना एक ही बात है यार। सो चलो हम बाइक देखते हैं एंड बाकी डंपिंग के नज़ारे देखो यार। आज खास कोई है नहीं इधर से, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, तो अभी चलते हैं हम मनगम, तो नाके बहुत हो सकते हैं उधर से। तो क्या बोलूँ यार, मतलब चलते हैं देखते हैं। एक बाइक बहुत मतलब क्या बोलूँ, एम्प्टी लेनी है ऐसे बंदे के लिए कि आगे आपको पता चल जाएगा यार, आगे बोलता हूँ ना मैं। सो जल्दी दो दो एम्प्टी साथ में चलेंगे एंड सेम कलर, एंड हम फुल्ली ना सेम मॉडिफाई करेंगे दोनों, तो दिखाते हैं आपको आगे। तो फिलहाल इधर से निकलते हैं, हम डैम्पिंग से निकल रहे हैं एंड चलते हैं बाइक देखने, देखते हैं उसकी क्या हालात है ठीक है। कंडीशन वगैरह अच्छी होनी चाहिए यार, बाकी ठीक है सब कुछ। फाइनली गाइस अभी हम निकल चुके हैं मनगम के लिए। सो मनगम में हमें देखनी बुसन में ही वैसे देखने को मिल जाएगी। अरे यार गाड़ी अंदर रख ले यार थोड़ा। सो वसन तक वो बंदा आ जाएगा। इन दिनों ना काफी अच्छी गर्मी हो रही है यार, आप पूछो नहीं, अचानक से ऐसा मौसम बदला है ना, क्या बोलूं मैं। तो परसों तक हमने दो दो स्वेटर और जैकेट पहनी होती थी, आज देखो आज मजा आ रहा है ना, जब बंदे को कम कपड़े पहन के होता है ना, जब बंदे को कम कपड़े पहन के होते हैं ना, तब बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि लाइट वेट ना हल्का फील होता है बहुत ज्यादा, तो मजा भी आता है। लेकिन इन दिनों थोड़ी सजा बन चुकी है राइड करनी यार, क्या बोलूं भाई, आगे नाका लगा यार। फाइनली वो बंदा हमें यहीं पे देखने को मिल गया। Yeah.
सो भाई अभी हम आज के एमटी पे पागल है क्या मैं। अच्छा पिकअप है, सब कुछ सही है। सब कुछ सही है बट आई थिंक एग्जॉस्ट की वजह से थोड़ी चेंज आ रही है। थर्ड गियर में ना 85 ही जा रही है मेरी, ना 90 प्लस चली जाती है थर्ड गियर में ही। सो भाई बाइक वाइक देख ली तो सेम तेल वगैरह हमारी तरह निकाल के आए हैं सर। बाइक देख ली, अब इंशाल्लाह कल करते हैं। बाइक तो फिट है वैसे, ठीक है, सभी देखते हैं करते हैं इसका कुछ। बाइक तो मेरे को पसंद आई यार, अच्छी है, फिट है, तो कोई इशू नहीं है बाइक में, सब कुछ सही है। अभी ना चलते हैं, पहले बाइक में अपनी थोड़ा पेट्रोल डला देते हैं देन निकलेंगे। सो भाई इनके पास ना सिर्फ XP95 है तो वो ना उससे महंगा है लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं दिखती। सो गाइज हो गया अपना फ्यूल अप भी, चलो अभी इधर से निकलते हैं। बाइक तो देख लिया यार, इंशाल्लाह कल परसों तक ले लेंगे, ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूँ ये किसके लिए थी, ये थी अपने आदिल भाई के लिए, ठीक है। सो यार आपको पता है आदिल भाई और मैं जब साथ में निकलते हैं ना तो आदिल भाई की आरसी ना हमने भेज दी थी बहुत टाइम पहले, शायद वो मैंने आपको बोला नहीं था अपने चैनल पे, मैंने शायद वो वीडियो नहीं डाला था कि आरसी हमने भेज दी है, ठीक है। मार्केट में कभी भी फास्ट नहीं चलता एंड हमेशा आपने व्लॉग्स में ये देखा होगा कि मार्केट में आराम से चलो, मार्केट में आराम से चलो, लेकिन फिर भी यार कोई नहीं सुनता यार। जब प्रॉब्लम होती है ना तब कोई नहीं सुनता, बहुत इश्यूज हुए यार मेरे साथ। आपको तो पता ही है जब भी मैं मार्केट में आता था मैं व्लॉग में भी हमेशा ये लाता था कि गाइज मार्केट में आराम से चला करो, और मैं खुद भी मार्केट में बड़े प्यार से चलता था। हाँ मैं यहाँ से भगाता हूँ हाईवे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से आप भी भगा सकते हो, लेकिन जब भी मैं मार्केट में चलता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ आराम से चला करो एंड पब्लिक एरियाज में स्टंट्स हाईवे पे स्टंट्स मत किया करो, सबसे रिक्वेस्ट है यार, क्योंकि अगर कोई एक करता है ना सभी लपेट में आ जाते हैं, ठीक है। सो भाई आगे वो बर्फ़ के पहाड़ देख रहे हो, कितने प्यारे लग रहे, बहुत जलना बहुत जल्द इन बर्फ़ के पहाड़ों के पीछे तुम्हारा भाई होगा ईद के बाद, ठीक है। एंड उधर आपको बर्फ़ भी देखने को मिल जाएगी, तो अभी ना उधर से ठंड होगी गर्मी, मतलब ठंड से निकले आज गर्मी में आए, अब फिर से ठंड में जाना पड़ेगा। चलो यार क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी का उसूल ही कुछ ऐसा है, कब क्या हो पता नहीं चलता, ठीक है, कुछ पता नहीं होता कब क्या होगा। भाई जो एमटी लेनी है ना वही बंदा अभी मेरे को फ्लाई बाय मार के चला गया, अब उनको भी पसंद आनी चाहिए यार, क्योंकि लेनी तो उन्हीं को है, ठीक है। सो मेरे पास तो है, आपको पता ही है हम दो भाई अगर सेम बाइक्स पे चलेंगे तो सोच लो कितना मजा आ जाएगा, ठीक है। सो अब देखते हैं कल इनिशियल मुजन वो अच्छा या पोरा जी भाई ये थी यस यस सर ना 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 सिटन जानो ना करनी वुछ वस यस सर तो एक चेक करे साहू व्लॉग्स आने सा सौ फुट में हवर हे बस हाव जान ये असली हेन बाइक यह हथ पंचवंजा ये क्या यह फुट اہن سر بھائی یار میرے کو لگا ناکا ہے سب بھائی یہ چیک کرو یہ جا رہی ہے دوسری ایم ٹی آر
इंशाल्लाह ये भी जल्दी अपने ही हाथों में होगी। ठीक है, देखा यार मतलब पुलिस वाला कैसे आया, जो वो बाइक वाला था ना वो पुलिस से थे। ठीक है, तो उन्होंने ना पहले मेरे अच्छे से चैनल वगैरह सब कुछ चेक किया यार कि स्टंट्स वगैरह मत करते। मैंने बोला नहीं सर यार। तो अभी हम जा रहे हैं यार आदिल भाई से मिलने। ठीक है, तो उनको भी बोलते हैं यार बाइक वाइक देखी। सुबह जब वो पुलिस वाले भैया आए ना यार प्रॉपर राइडिंग गियर्स पहन के थे, मेरा तो मन कर रहा था उनसे जैकेट मांग लूँ, जैकेट मुझे दे दो, क्योंकि मेरे को भी जैकेट लेने का प्लान था, फिर प्लान की जगह ही रह गया। ठीक है, सो भाई ये रहे अपने आदिल भाई। तो आदिल भाई आपके लिए हमने बाइक देखी है। ठीक है, सो इनको मैं बाइक दिखाता हूँ पहले कहाँ गई कहाँ गई। मैंने तो इन्हीं को भेजा था देखने के लिए। कैसी है? सेम बाइक रखेंगे दोनों भाई। ठीक है, कैसी लग रही है? जबरदस्त है। क्या बोलता है, जाए फिर कल? हाँ